नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेश से हरियाली और खुशहाली एपिसोड को लेकर। हर मंगलवार को हम हरियाली और खुशहाली एपिसोड लेकर आते हैं। इसमें हम मोटिवेशनल एपिसोड को या कृषि बागवानी से संबंधित एपिसोड को लेकर आते हैं। आज के लिए हम उन युवाओं के लिए जो बेरोजगार है, जो हताश है, और अगर उनकी इच्छा फोटोग्राफी में है तो हमारे साथ बैठे हैं फोटोग्राफी के स्पेशलिस्ट, जो आपको बताएंगे कि अगर फोटोग्राफी में किस प्रकार से आप अपने व्यवसाय को चला सकते हैं, फोटोग्राफी में अपने आजीविका को कैसे बना सकते हैं, और फोटोग्राफी में किन किन बातों को ध्यान देना होगा। ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर हमारे साथ उपस्थित है संतोष रावत जी। संतोष रावत के बारे में बताना चाहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन जो है हमारे फोटोग्राफर है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, और सिनेमा ऑटो फोटो सिनेमाटो फोटोग्राफर है, और फिल्म एडिटर भी है। जैसे वीडियो में आपका आजकल तो देख रहे होंगे, यूट्यूब के द्वारा बड़े बड़े जो है हिंदी सॉन्ग, हिंदी मूवीज बनाए जा रहे हैं, तो उसमें भी काम करते हैं। और इनका जो वर्किंग है वायरस एस्पेक्ट ऑफ फोटोग्राफी, इससे संबंधित रखते हैं, और इनको 20 साल का अनुभव है फोटोग्राफी में, और रनिंग में ये अपना जो है प्रोडक्शन अपना प्रोडक्शन चला रहे हैं। अपना इनका प्रोडक्शन है फेनोली प्रोडक्शन एंड एडुकेटेड स्टूडेंट फोटोग्राफी। बाकी चीजों को हम जानेंगे इनसे, और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो है फोटो जर्नलिस्ट भी है, और हिंदुस्तान टाइम के लिए काम करते हैं। आप जानते हैं संतोष रावत जी किन्नौर के अंदर में बहुत बेहतरीन किन्नौर के अंदर में स्टूडियो था, बहुत बेहतरीन एल्बमों को किन्नौर के अंदर में इन्होंने काम किया है। जिस प्रकार से आजकल वर्तमान में जो है वीडियो एल्बम काम कर रहे हैं, इन्हीं के सीख में कई जो युवा जो है आज जो है किन्नौर के अंदर में अपनी आजीविका चला रहे। तो चलिए, जिन भी युवाओं को लगता है कि अगर फोटोग्राफी से संबंधित कोई भी सवाल वो हमारे आज के अतिथि से जानना चाहते हैं तो जरूर संपर्क कीजिए, और क्योंकि प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, सिनेमा फोटोग्राफर है एंड फिल्म एडिटर है, इन चीजों के बारे में जानेंगे, और बहुत सारी जो भी सवाल है आपसे संबंधित और जानना चाहते हैं हमारे अतिथि के से कि किन किन परिस्थितियों में जो फोटोग्राफी को आगे लेकर जाएंगे और कैसे ले जाते हैं, कम बजट से लेकर किन बजटों तक जो है आप काम कर सकते हैं, किन्नौर को लेकर, हिमाचल को लेकर और अन्य स्टेटों को लेकर कैसे काम करना चाहेंगे, क्या आप सिर्फ खाली किन्नौर को देखकर काम करना चाहते हैं या फिर हिमाचल लेवल में काम करना चाहते हैं। हर चीज के, हर प्रोडक्शन के अपने अपने लेवल है। तो मिलते हैं हमारे आदरणीय संतोष रावत जी से। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस एपिसोड को जो है देखने से पहले, इस एपिसोड में जुड़ने से पहले आप लोग जरूर शेयर करें, और हमारे अतिथि से जो भी सवाल करना चाहते हैं तो आप अपने सवाल को रखें और अपना नाम पता जरूर रखें। तो चलिए मिलते हैं। नमस्कार नमस्कार संतोष जी, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। रावत सर, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपने मुझे अपने मंच पे जुड़ने का मौका दिया है और ताकि मैं आपसे रूबरू हो सकूं। और जैसे कि आपने विषय उठाया फोटोग्राफी का, तो फोटोग्राफी मेरा तजुर्बा पिछले 20 सालों का है। मैंने वेरियस अलग अलग विधाओं में, अलग अलग एस्पेक्ट में मैंने फोटोग्राफी में काम किया है। एक बहुत लंबा सफर रहा है। तो अगर कोई फोटोग्राफी सीखना चाहता है, जानना चाहता है, उसके बारे में कुछ समझना चाहता है, तो वो अपने सवाल जवाब मुझसे कर सकता है। उम्मीद करूंगा जितना मेरा तजुर्बा, मेरा अनुभव है, उसके आधार पर मैं आपसे अपनी अपना योगदान देना चाहूंगा। आपको मैं बता सकता हूँ जितना मेरा तजुर्बा है। जी, अभी का आपका सोच, अभी का दिमाग भी ऐसी दिख रहा है। पिछले बार पीछे आप बाहर हो और बैकग्राउंड ऐसा लग रहा है कि कहीं आप स्टूडियो में हो, लेकिन आपका जो जी बिल्कुल शाइनिंग वाला है, और इसी से पता लगता है कि आपका जो एबिलिटी और आपकी क्वालिटी किस प्रकार से। तो चलिए सर, आपका एक जीवन परिचय संघर्ष भरा रहा है फोटोग्राफी में। आपने किन्नौर के अंदर में बहुत चीजों को, संघर्ष को झेला है, लेकिन किन्नौर आपके लिए जो है उस लेवल का नहीं था, क्योंकि आपका जो है एक बहुत बड़ा विजन है, आपके लेवल भी उस टाइप का है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर काम किया है।
तो आप उन परिस्थितियों को बताएंगे कि जो डिजिटल से पहले की जो तकनीकी थी, जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर आपने काम किया, बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद स्टील फोटोग्राफरी आई, फिर डिजिटल फोटोग्राफरी आई, फिर एक फिल्म शूटिंग का जो एक दौर आया होगा। तो आप पहले तो हम आपके जीवन परिचय जानना चाहते, शिक्षा से लेकर ये फोटोग्राफरी में कैसे आना हुआ। जी मेरा नाम संतोष रावत है। बेसिकली आपको नाम से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि मैं उत्तराखंड से संबंध रखता हूं, लेकिन उत्तराखंड में उत्तराखंड के साथ साथ जैसे उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है और किन्नौर मेरी कर्मभूमि है। मेरे फोटोग्राफर एज ए फोटोग्राफर मेरा जन्म जो किन्नौर में ही हुआ है। और जी मैं कला का विद्यार्थी था, फाइन आर्ट का विद्यार्थी था। मैं उसमें स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद, डिग्री लेने के बाद मैं विजिट के लिए किन्नौर आया। किन्नौर में अचानक मुझे नहीं पता कैसे फोटोग्राफी मेरे जिंदगी में आई और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो ऐसा नहीं है कि किन्नौर में करने के लिए बहुत कुछ है। मैंने बहुत साल किन्नौर में काम किया। मेरी शुरुआत पू से हुई थी। पू से हुई थी, किसी दोस्त की मदद करने के लिए, मदद करने के उद्देश्य से फोटोग्राफी मेरी जिंदगी में आई और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद मुझे लगा यार कुछ तो है ऐसा जो हमें सीखना चाहिए, हमें जानना चाहिए, क्योंकि मेरी जिज्ञासा है ना वहां पर पूरी नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से मैंने विधिवत शिक्षा प्राप्त की फोटोग्राफी की, लाइट एंड स्टूडियो टेक्निक की उपाधि लेने के बाद फिर मैं किन्नौर आया। किन्नौर आने के बाद मैंने बहुत वहां पर काम किया, लेकिन मेरी जिज्ञासा फिर शांत नहीं हुई। उसके बाद मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में एज ए फोटो जर्नलिज्म का काम किया। उसके बाद में मुंबई में जाकर मैंने ई कॉमर्स में काम किया। ई कॉमर्स में काम करने के बाद मुझे था कि मैंने ये वाला एस्पेक्ट मेरा छूट गया, वो वाला छूट गया, तो मैंने विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में, फोटोग्राफी के विभिन्न क्षेत्र में मैंने काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और लेकिन आज का परिवेश, आप पुराने फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं भगत जी, पुराने जब हमने शुरुआत की थी वो शायद ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना रहा होगा, तब से लेकर आप तक देखो बेसिक चीजें तो सामान्य है, एक जैसी है, बेसिक फंडामेंटल चीजें तो एक जैसी है, लेकिन उसके बाद फोटोग्राफी में ड्रास्टिकली चेंज आना शुरू हुआ। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं फिल्म अकेडमी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब मैं वापस आया था, तो हमारे पास इक्विपमेंट्स वैसे नहीं होते थे कि ब्रॉडकास्ट लेवल के इक्विपमेंट नहीं होते थे कि हम आगे कुछ कर सके। लेकिन आज के परिवेश की बात करेंगे, आज के इस टाइम की बात करेंगे, तो आज तो हमारे पास हाईली हाईली इक्विपमेंट बाजार में, मार्केट में उपलब्ध है और हम लोग उसमें काम भी कर रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप हो गया। एक तरफ से जब डिजिटल, जो आपका जो डिजिटल टेक्निक जब फोटोग्राफी में आया, तो उसने फोटोग्राफरों का काम बहुत आसान कर दिया। लेकिन बात करें ब्लैक एंड व्हाइट के दौर की, तो उस समय फोटोग्राफी को, मतलब मेरे हिसाब से एक कलाकार मर गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इसने आसान कर दी है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी फोटोग्राफी में रुचि रखना चाहता है, रुचि रखता है और आगे एज ए प्रोफेशनल इसको परस्यू करना चाहता है, मैं चाहता हूँ उस जमाने से चल के वापस आए, उस जमाने की तकनीकों को सीखे और उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करता हुआ आगे जाए। बाकी जो लोग हमें देख रहे हैं और उनके मन में कोई भी फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई संबंधित सवाल है, कोई जिज्ञासा है, तो आप खुले खुले मंच पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई है कैलाश नेगी जी, एडवोकेट राव जी, अपना संपर्क संख्या बताएं, आपका संपर्क नंबर पूछ रहे हैं। कैला जी, आप मुझे याद है, आप मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं किसी को भी भूला नहीं हूं। तो आप मेरा जो कांटेक्ट नंबर है आप लिख लीजिए, 9975 78968। उम्मीद है आपने नोट किया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 9975 78968। जी बहुत खूब। धन्यवाद भगत जी, वर्तमान में आप, हाँ जी, जी आपने पुराने चलिए से पूछने का मौका दे दिया। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के जो अतिथि है, स्पेशलिस्ट फोटोग्राफर, पूरा जो है आप कहेंगे कि पूरे इंडिया में, चाहे बॉलीवुड हो या फिर पंजाब के जो हम पंजाबी एल्बम हो, ऐसे कई है, और हमारे किन्नौर में तो काम कर चुके हैं।
तो मेन बात आता है कि युवाओं ने अगर फोटोग्राफरी को चुनना है तो घर के लोग सपोर्ट नहीं करते कि फोटोग्राफरी में क्या है, कुछ नहीं है, कोई उसका जो आगे का भविष्य नहीं है और आगे आप वहां तक उस लेवल तक नहीं है, शादी ब्याह तक ही रह गया है। तो क्या ये सत्य है कि इसमें कोई भविष्य नहीं है, खासकर किन्नौर को? बात नहीं, आपका तो एक अलग काम है। अगर किन्नौर को हम देखते हैं, कोई युवा अगर इस एरिया में यहाँ पर काम करना चाहता है तो माँ बाप को कैसे मोटिवेट करें हम? भगत जी देखो, ये जो आप समस्या जो बता रहे हो वो खुद मेरे साथ भी हुई है, मैंने भी फेस करी। क्योंकि हमारे भारत में, खास करके भारत की बात करूंगा, फोटोग्राफी के व्यवसाय को इतनी इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता, जहां तक मेरा अपना अनुभव है। लेकिन अगर विदेशों की बात करें तो विदेशों में फोटोग्राफी मतलब एक अलग हस्ती होता है, फोटोग्राफर एक अलग हस्ती होता है। तो मुझे भी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। मैंने बहुत 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 समझाने की कोशिश की कि मुझे एक कैमरा लेना है, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। तो काफी लंबे समय के बाद मैं कन्विंस कर पाया घर वालों को। लेकिन उसके बाद जब ये आप लोगों के साथ भी होता होगा कि फोटोग्राफी में क्या रखा है, कोई दूसरी नौकरी कर ले, परमानेंट नौकरी कर ले वगैरह वगैरह, ये सारे फोटोग्राफर आई थिंक फेस करते हैं इन चीजों को। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के जमाने में आप एडवर्टाइजिंग की फील्ड की बात करो, आप मार्केटिंग की बात करो, आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करो, कहीं पर भी फोटोग्राफी का स्कोप इतना बढ़ गया है कि आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं।